हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का मेरा टॉपिक है सम ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इससे पिछले पार्ट में हमने सीखा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सम किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखे। आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 इवन नेचुरल नंबर। यानी कि मुझे फर्स्ट 100 इवन नेचुरल नंबर का सम निकालना है जो डिविजिबल बाय 5 हो। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं किस तरह से करें क्वेश्चन को। पहले कौन कौन से नेचुरल नंबर हैं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3 ऐसे आगे चलते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब वो नेचुरल नंबर क्या 5 से डिविजिबल होने चाहिए। 5 से डिविजिबल कौन कौन से नंबर हैं, 5 है, 10 है, 15 इस तरह से है। ठीक है दोस्तों, पर कंडीशन क्या है, वो नंबर क्या होने चाहिए, इवन होने चाहिए। 5 तो इवन नहीं है, यानी कि 10 है। 10 पहला ऐसा नंबर है, उसके बाद क्या आ जाएगा 20, उसके बाद आ जाएगा 30। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 10 से 5 का डिविजिबल भी है और इवन भी है, तो इस तरह से नंबर आते जाएंगे। कितने नंबर लेने हैं मुझे, इस तरह से जैसे 3 नंबर है, इस तरह से मुझे 100 नंबर लेने हैं वो। ठीक है दोस्तों, तो मुझे 100 टर्मों का सम निकालना है जो 5 से डिविजिबल हो और 5 की मल्टीपल हो, यानी कि मुझे एस 100 निकालना है। ठीक है दोस्तों, अब ये क्या है, एपी में है, ये एपी में है, क्योंकि यहाँ कॉमन डिफरेंस क्या है, हर स्टेप पे सेम है, 10-10 का कॉमन डिफरेंस है। ठीक है दोस्तों, अगर कोई सीक्वेंस एपी में होती है तो उसका सम निकालने के फार्मूले ये दो हो, सम ऑफ एंथ टर्म, सम ऑफ एंथ टर्म। ठीक है दोस्तों, ये फार्मूला कब अप्लाई होता है, जिस टाइम मेरे पास एन की वन हो। जैसे यहाँ पे अगर मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूँ तो एन की वैल्यू क्या है मेरे पास, 100। जिस टाइम मेरे पास एन की वन हो और ए की वन हो, ए क्या होता है, मैंने आपको बताया था फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म को बोलते हैं ए। जैसे यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, 10 है। ठीक है दोस्तों, या तो आपके पास n गिवन हो या a गिवन हो और क्या d गिवन हो। d क्या है मेरे पास यहाँ, d भी क्या है 10, कॉमन डिफरेंस a2 - a1 करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये फार्मूला अप्लाई हो सकता है यहाँ पे, हाँ जी हो सकता है, तो फार्मूला अप्लाई कर दो, तो s 100। ठीक है दोस्तों, n क्या है मेरा 100, n बाय 2, a की वैल्यू क्या है 10, प्लस n-1 और d की वैल्यू क्या है, वो भी 10 है। ठीक है दोस्तों, इसको सोल्व कर दो, ये क्या आ गया 50, ये 20 और ये प्लस में 990। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद क्या आ गया 50, हाँ जी 0, 9 और 2 11, 9 और 1 10। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 5 0 5, तो ये क्या है ए, तो मेरा ए क्या आ जाएगा राइट आंसर। इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आइए और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आइए दोस्तों एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया, फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर, मुझे सम फाइंड आउट करना है बिटवीन 200 एंड 400। 200 और 400 के बीच में नंबर आते हैं, किस टाइप के नंबर, विच आर डिविजिबल बाय 7, जो 7 के क्या हों, डिविजिबल हों, 7 से डिविजिबल हों। अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। जैसे सम ऑफ एंथ टर्म, सम निकालने का एपी में सम निकालने का फार्मूला क्या होता है, ये होता है। ठीक है दोस्तों, और यही होते हैं। इसमें मुझे क्या क्या चाहिए, इसमें एक तो मुझे चाहिए फर्स्ट टर्म, ए को बोलते हैं फर्स्ट टर्म, यानी कि फर्स्ट टर्म चाहिए 200। मेरा कहाँ से नंबर स्टार्ट है, 200 के आसपास 7 का डिविजिबल कौन सा नंबर है, 200 के जस्ट बाद या 200 या 200 के बाद, क्या है 201 है, नहीं 202 नहीं 203, 203 को चेक करो, 7 × 2 = 14, 6 × 3 = 63, हाँ जी, यानी कि 203 एक ऐसा नंबर है 200 के बाद जो क्या 7 का क्या डिविजिबल है, यानी कि 203 पहला नंबर होएगा जो 7 का डिविजिबल है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद कैसे चेक करना है, इसमें 7 जोड़ते जाओ बस, 210। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 217, ऐसी चलती रहेगी सीरीज। अगर मैं पूछूं इसमें लास्ट नंबर क्या होएगा, लास्ट नंबर, क्योंकि मुझे सम ऑफ एंथ टर्म निकालने का फार्मूला मेरे पास ये है, n बाय 2, 2a प्लस में n माइनस के 1d, जहाँ n है नंबर ऑफ टर्म, a फर्स्ट टर्म, d कॉमन डिफरेंस, या तो ये वाला फार्मूला लग जाएगा या ये वाला फार्मूला लगा दो। इसमें l क्या है, लास्ट टर्म, जैसे फर्स्ट टर्म भी है मेरे पास, d भी मैं यहाँ से फाइंड आउट कर लूँगा। मुझे क्या क्या चाहिए, एक तो मुझे चाहिए n की वैल्यू और एक मुझे चाहिए लास्ट टर्म। ठीक है दोस्तों, तो लास्ट टर्म कैसे निकाल लेंगे हम, लास्ट टर्म, हाँ जी 200 से लेके 400 तक है, 400 से पहले 7 का डिविजिबल कौन सा नंबर है, चेक करें 400 चेक करें,
407 का डिविजिबल है, हाँ जी कितने में गया, 57 35 50 अगेन 57 49, ये 7 का डिविजिबल नहीं है। 400 से नीचे क्या आएगा, 399, हाँ जी 399 चेक करोगे आप, 57 35 49 57 53, हाँ जी यानी कि 399 है जो वो क्या 7 का डिविजिबल है, यानी कि 200 से लेके 400 के बीच में फर्स्ट नंबर है 7 का डिविजिबल 203 और लास्ट नंबर है 399। ठीक है, अब मैं कोई भी फार्मूला अप्लाई कर सकता हूँ, हाँ जी फार्मूले में क्या क्या है, एन चाहिए मुझे, एन यहाँ आया है मेरे पास, एन मेरे पास अभी भी नहीं आया, और क्या क्या चीज़ आ गया, ए आ गया मेरे पास, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ए क्या आ गया मेरे पास 203 आ गया, डी क्या आ गया 7 है, कॉमन डिफरेंस 7 है, और क्या मेरे पास एल, एल भी है मेरे पास लास्ट टर्म, बट कमी किस चीज़ की है फार्मूले में, एन की कमी, मुझे ये नहीं पता जैसे यहाँ ये कितने टर्म है, मैं पूछूँ आपसे 3 टर्म हैं, पर 203 से लेकर 399 तक कितने नंबर ऑफ टर्म है ये नहीं पता मुझे, पहले मैं ये नंबर ऑफ टर्म फाइंड आउट करूँगा। अब नंबर ऑफ टर्म फाइंड आउट करने के लिए, इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको nth टर्म का फार्मूला बताया था, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस के 1d। ठीक है दोस्तों, अगर मैं ये फार्मूला अप्लाई करके यहाँ से मैं n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ, कैसे आइए देखते हैं। जैसे अगर मैं पूछूं इस सीक्वेंस में, ये वाला सीक्वेंस है, ठीक है दोस्तों, इसमें फर्स्ट टर्म ये रहा, सेकंड टर्म ये है, थर्ड टर्म ये रही, अगर मैं पूछूं ये कौन से नंबर की टर्म है, जैसे ये थर्ड नंबर की टर्म है, ये कौन से नंबर की टर्म है, तो मुझे ये ए एन गिवन है, ये मान लेता हूँ ए एन है मेरे पास, क्योंकि nth नंबर की टर्म है ये 399। ठीक है दोस्तों, फार्मूले वैल्यू पुट करो, ए एन मुझे गिवन है इज इक्वल टू एक है 203 प्लस में एन की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है और डी की वैल्यू क्या 7। ठीक है दोस्तों, इसको सोल्व कर दो, हाँ जी n माइनस 1 7, ये कितना गया, 9 में से 3 गया 6, 9 और 1। ठीक है दोस्तों, ये क्या गया n माइनस 1 और 7, ये 7 यहाँ आ जाएगा, कट जाएगा इसके साथ, तो n माइनस 1 किस पे क्या, 7 दुनी 14 5 6 7 8 56, तो n की वैल्यू क्या आ गई 29। ये क्या आया, ये आया भी यहाँ से लेके यहाँ तक इतनी, जैसे ये 3 टर्म में है, ऐसी 203 से लेके 399 तक कितनी 29 टर्म में है मेरे पास। ठीक है दोस्तों, अब मैं ये मिटा देता हूँ, एन की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 29। अब एन की वैल्यू 29 आ गई, चाहे आप इस फार्मूले में वैल्यू पुट करो चाहे इसमें कर लेते हैं, तो मुझे अब मेरे पास आ गया, मुझे 29 टर्मों का सम निकालना है। ठीक है, जैसे पिछले क्वेश्चन में तो साफ दिया था हमें 100 टर्मों का सम निकालना है, यहाँ पे नहीं पता था इसलिए मुझे एन निकालना पड़ा, तो क्या आ जाएगा n बाय 2, a क्या है मेरा 203 और प्लस में l क्या है, l मतलब लास्ट टर्म, वो क्या है 399। ठीक है दोस्तों, 29/2 तो क्या आ गया 9 और 3 12, 9 और 1 10, 3 और 2 5 और 1 6। ठीक है दोस्तों, ये इसके साथ कट गया 301। ठीक है, 301 की 29 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, हाँ जी 29 कम 29 दिए 87, तो 8729। ठीक है दोस्तों, और 8729 क्या है, बी, तो बी क्या जाएगा मेरा राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हैं। आइए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर, मुझे जितने भी 3 डिजिट नंबर होते हैं, जैसे 121 122 3 डिजिट नंबर है, इनमें 3 डिजिट है, उनका मुझे सम फाइंड आउट करना है। ठीक है, कौन से नंबर होने चाहिए, वो विच लिव्स द रिमाइंडर 2, जो रिमाइंडर 2 छोड़ दें और उनको 5 से डिविजिबलाई करने पर, जैसे कोई नंबर लेते हैं, जैसे 107 लेते हैं, ये 3 डिजिट का नंबर है, इसको 5 से डिवाइड करके देखो, 5 दूनी 10, 7 5 एकम 5। ठीक है दोस्तों, ऐसे नंबर, ऐसे 3 अक्षरों के नंबर, ये 3 डिजिट नंबर था, जब उसको 5 से डिवाइड किया गया तो रिमाइंडर क्या है 2, यानी कि इस तरह के नंबर, इस तरह के 3 3 अक्षरों के कितने नंबर लें, कितने नंबर उनका सम क्या आएगा, इस तरह के 3 3 अक्षरों के नंबरों का मुझे क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन करते हैं। जैसे मुझे पता है तो सम ऑफ nth टर्म निकालने का फार्मूला ये होता है, इसमें फार्मूले मुझे क्या क्या चाहिए, एक तो मुझे चाहिए एन, भी कितने नंबर ऑफ टर्म है, कितने टर्मों का मुझे सम फाइंड करना है, और ए, ए क्या है मेरी फर्स्ट टर्म, मुझे फर्स्ट टर्म चाहिए, और मुझे कॉमन डिफरेंस चाहिए, ठीक है, या लास्ट टर्म मिल जाए। ठीक है दोस्तों, ये सब चीज़ें चाहिए, आइए देखते हैं एक एक करके। तो मुझे पहले क्या चाहिए, मुझे चाहिए फर्स्ट टर्म,
फर्स्ट टर्म क्या होगी। अगर मैं आपसे पूछूं तीन अक्षरों का ऐसा पहला कौन सा नंबर है जो सात पाँच से डिवाइड करने पर दो रिमाइंडर छोड़ता है, आप 102 को चेक करके देखें। आप स्टार्टिंग में क्या करिए, 100 से चेक कीजिए, क्योंकि 100 तीन अक्षरों का नंबर है, 100 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा कटेगा, ठीक है दोस्तों। फिर किसकी बारी आएगी, 101 की, 101 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा, उसके बाद क्या आएगा, 2। जब इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10 2, तो रिमाइंडर क्या रहा है, 2। यानी कि पहला नंबर मेरा क्या है, 102 है मेरा फर्स्ट नंबर। उसके बाद उसमें 5 जोड़ते जाओ बस, 102 में 107, ठीक है दोस्तों, इसमें 5, 112, ऐसे चलते चलते कितने नंबर आएंगे मेरे पास दोस्तों, लास्ट वाला नंबर। उसके बाद मुझे चेक क्या करना है, लास्ट डिजिट क्या है, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, कहाँ तक है, तीन डिजिट नंबर है, तीन डिजिट नंबर कहाँ तक होते हैं, 999 तक होते हैं। इसको 5 से डिवाइड करके देखो, 5 एकम 5, 4 9, 5 नहीं 45, 4 9 और 5 नहीं 45, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे तो 4 बचेगा, ठीक है दोस्तों, यानी कि ये नहीं है। उसके बाद यहाँ पे 4 बचा, अगर यहाँ पे 8 होता तो 3 बचता, यहाँ पे 7 लेके देखो आप, 7, ठीक है दोस्तों, तो 4 यहाँ पे क्या आ गया, ऊपर से 7 बचा, 5 नहीं 45 और 2, दो रिमाइंडर आ गया, ठीक है दोस्तों। यानी कि लास्ट डिजिट क्या है, 997, ठीक है दोस्तों। अब मेरे पास फर्स्ट टर्म भी आ गई, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ए है 102 और डी क्या है मेरे पास, इसमें से ये माइनस करके 5, और मेरे पास लास्ट टर्म भी आ गई, लास्ट टर्म क्या है मेरे पास, 997, ठीक है। और किस चीज़ की कमी रहेगी, एन की कमी रहेगी, मुझे ये नहीं पता यहाँ से लेके, जैसे ये मैं पूछूँ आपसे इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म है, यहाँ तक 1 2 3, आप बोलोगे 3 है। अगर मैं पूछूँ यहाँ से लेके यहाँ तक कितने नंबर ऑफ टर्म है, बीच में नहीं पता मुझे, बीच में 117 भी आएगा और सब कुछ आएंगे, उन वो कितने नंबर ऑफ टर्म है, कितनी टर्म है वो फाइंड आउट करूँगा। उसको फाइंड आउट करने के लिए जनरल टर्म फार्मूला यूज़ करते हैं, आइए फार्मूला अप्लाई करते हैं। मुझे एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ए एन एंथ टर्म, इसको ये एंथ टर्म है यानी कि लास्ट टर्म है, इसको ए एन बोलते हैं, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस 1 और डी क्या मेरा 5, ठीक है दोस्तों। 997 माइनस के 102 इज इक्वल टू एन माइनस 5, 9 में से 2 गया 5, यहाँ 9 और ये 8, एन माइनस 1 5, ठीक है दोस्तों। ये 5 चला गया यहाँ पे तो ये कट गया, 5 एकम 5 3 9 5 7 35 4 9 और 5 नहीं 45 और एन माइनस 1, तो एन की वैल्यू क्या आ गई, 180, ठीक है दोस्तों। तो एन की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 180, यानी कि कितनी टर्में हैं, 180 टर्में हैं ऐसी, ठीक है। ये मैं मिटा देता हूँ, एन की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 180, मैं यहाँ लिख देता हूँ, एन क्या आ गया मेरे पास, 180। अब फार्मूला अप्लाई करते हैं, ये फार्मूला या ये अप्लाई कोई भी कर दो, ये फार्मूला अप्लाई कर देते हैं हम, एन क्या है 180, क्या फार्मूला होता है, एन बाय टू ए क्या मेरा 102 और प्लस में एल क्या है 997, ठीक है दोस्तों। सिंप्लीफाई कर दो इसको, हाँ जी, दो नहीं में 18 है, ये 90, ब्रैकेट क्लोज, 997 और 102, 9 9 और 10, ठीक है दोस्तों, 1099, ठीक। इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 900 81 8, 81 और 8 कितने होते हैं 89, 9 एकम 9, ठीक है दोस्तों। ये क्या आ गया, राइट आंसर, और ये क्या, बी, तो मेरा बी क्या आ जाएगा, राइट आंसर। तो इस तरह से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, आई होप आपको ये समझ आया किस तरह से क्वेश्चन किए जाते हैं। आपको सिर्फ फार्मूला याद होना चाहिए और मेरे पास क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें गिवन है वो मुझे याद होना चाहिए। एक तो मुझे पहले ए फाइंड आउट करना है, फिर उसके बाद डी फाइंड आउट करना है, फिर मुझे एन फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ टर्म, और उसके बाद ये फार्मूला अप्लाई करना है, ठीक है दोस्तों। एल क्या होता है, मैंने यहाँ पे एल यहाँ पे लास्ट टर्म होती है, ठीक है दोस्तों। ए एन एंथ टर्म, जैसे ये मैं आपसे पूछूँ यहाँ पे ये कौन सी टर्म है, थर्ड टर्म, ठीक है। अब इसका मुझे नंबर नहीं पता था इसलिए मैंने इसको ए एन बोला है, एंथ टर्म, लास्ट टर्म मतलब ए एन, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको समझ आएगा, थैंक यू वेरी मच।